अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मा एंड वेलकम टू अर शीज़ चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत इजी सी होम रेमेडी जो आपके अपर लिप्स पर डार्कनेस हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है आपके फेस पर क्योंकि वो पूरी तरीके से आपको हाइड करना पड़ता है कंसीलर की हेल्प से और वो होता है टेम्पररी। तो परमानेंटली आपको रिमूव करने के लिए वो डार्कनेस आपको चाहिए होता है एक होम रेमेडी जो आपकी स्किन को डैमेज भी ना करे और आपकी स्किन के लिए बहुत सूटेबल हो। तो आज ऐसी रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा और ये एक फेस पैक का भी वर्क करेगा जो आपके हाइपर पिगमेंटेशन को कम करके और आपके डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को हिट कर दो ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके एंड लाइक करना मत भूलना। तो यहाँ आपको लेना है ओट्स। ओट्स आपके स्किन में एक्सेस ऑयल को सोक करती है और इसमें एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है सपोनेंस। ये एक नेचुरल क्लींजर का वर्क करता है, ये आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है जिससे डेड स्किन सेल्स रिमूव होती है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी जैसी प्रॉपर्टीज होती है जिससे आपकी डैमेज स्किन रिपेयर होती है, साथ ही साथ ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। अब ऐड करो टर्मरिक। यहाँ आपको 2 pinch ऑफ टर्मरिक लेना है। टर्मरिक में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है इसीलिए ये ब्लेमिशेस के लिए, रेडनेस के लिए, डार्कनेस के लिए और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत बहुत अच्छी इन्ग्रीडियंट है। अब यहाँ ऐड करो रॉ मिल्क। आपको 3-4 टेबलस्पून रॉ मिल्क ऐड करना है। मिल्क आपके डार्क एरिया को तो लाइटन करता ही करता है, साथ ही साथ आपके स्किन को हाइड्रेट भी करता है। इसमें हाई अमाउंट में लैक्टिक एसिड होते हैं जो डेड सेल्स को रिमूव करते हैं। अब आपको ऐड करना है लेमन जूस। लेमन जूस आपको यहाँ 1 teaspoon ऐड करना है। लेमन जूस मेलाज्मा जैसे प्रॉब्लम से आपको छुटकारा देता है, साथ ही साथ ये डार्क स्पॉट्स और डार्क स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अच्छे से फेस पैक मिक्स करने के बाद आपको इसे अपने फेस पर इस तरीके से अप्लाई करना है। याद रखें 2-3 minutes तक आपको इसे अपने फेस पर रब करना है उस एरिया में जहां आपको हाइपर पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम है या कोई भी एरिया जो आपका डार्क हो। ये जो स्क्रब है ये सूटेबल होता है आपके सेंसिटिव स्किन वालों की भी। अगर सेंसिटिव स्किन है तो बस इसमें आप लेमन जूस अप्लाई मत करना, बाकी जो भी इंग्रेडिएंट मैं इसमें मिलाई हूँ वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अब जब आपका मसाज कंप्लीट हो जाए तो फिर इसे 15 मिनट्स तक इसी तरीके से अपने स्किन पर छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाए तो ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपकी स्किन आपको बहुत सॉफ्ट, सपल और ब्राइट नज़र आएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके रिमूव होगी, एक साथ तो रिमूव नहीं होगी। तो आपको ये वीक में 2 days यूज़ करना है और आप खुद चेंजेस आप देखोगे कि आपके स्किन पर कितनी चेंजेस आ गई है। तो चलो ये वीडियो मेरी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करते जाना, शेयर कर देना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़, टेक केयर।